हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने के कौन कौन से रूट हैं, उन रूट्स को इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन से रूट्स होते हैं, उनका वर्णन करने हम आपके सामने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पथ बाई व्हिच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने का रूट वह पथ होता है जो ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराता है। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, यानी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर इनटू द बॉडी बाई सेवरल वेज। ड्रग को बॉडी में कई तरीकों से एडमिनिस्टर करा सकते हैं। सम कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने के कुछ रूट्स हैं, जैसे एंट्रल रूट। एंट्रल रूट के अंतर्गत आप देखेंगे सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट और रेक्टल रूट आते हैं। और पेरेंटल इंजेक्शन में देखते हैं जैसे सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राबीनस और इनहेलेशनल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल एंड इंट्रानसल रूट। तो दोस्तों, इन रूट के जरिए हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले एंट्रल रूट। तो एंट्रल रूट की क्या डेफिनेशन होती है, उसे जल्दी देख लेते हैं। तो एंट्रल रूट में देखेंगे, इट इज द सेफेस्ट, यह सबसे सुरक्षित होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है यानी सस्ता होता है, एंड कॉन्वीनियंट, सुविधाजनक होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने का वह रूट सबसे सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक होता है, वह एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखेंगे टेबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, मिक्सचर्स, इमल्सन्स एंड जेल्स आर टेकन ओरली। तो ये जो भी ड्रग्स होती हैं, इन्हें ओरली लिया जाता है। तो सॉल्यूशन फॉरम ऑफ अ ड्रग क्या होता है, सॉल्यूशन फॉरम ऑफ ड्रग गेट्स रेपिडली एब्जॉर्ब्ड थ्रू एंट्रल रूट। क्या होता है, जो ड्रग की सॉल्यूशन फॉरम होती है वह बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एंट्रल रूट के थ्रू, यानी थ्रू एंट्रल रूट। तो फॉर फास्टर रिस्पॉन्स ड्रग शुड बी टेकन एम्प्टी स्टोमक और प्रायर टू मील। यानी फास्ट रिस्पॉन्स, ड्रग का फास्ट रिस्पॉन्स पाने के लिए, यानी ड्रग का फास्ट रिस्पॉन्स पाने के लिए इसे खाली पेट लेना चाहिए अथवा मील से पहले, यानी भोजन से पहले ड्रग को लेना चाहिए, एज अ सॉल्यूशन और विद वाटर, या तो सॉल्यूशन या वाटर के साथ। लेकिन ड्रग्स कॉजिंग GI इरिटेशन मस्ट बी टेकन विद और आफ्टर मील। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो GI इरिटेट पैदा करती हैं, उन्हें भोजन के बाद अथवा भोजन के साथ लेना चाहिए। तो ऐसी ड्रग्स जो GI इरिटेशन पैदा करती हैं, GI इरिटेशन कॉज करती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को भोजन के साथ या भोजन के बाद लेना चाहिए। तो यह एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, एंट्रल रूट में आप देखेंगे सबसे पहले एंट्रल रूट में आता है ओरल रूट। कौन सा रूट आता है, ओरल रूट। तो ओरल रूट में देखते हैं, तो ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ, यानी ड्रग को माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर कराया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज परोरल, जिसे परोरल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रूट आर दैट द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर ड्रग एंड चांसेस टू सिस्टमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस्ड। तो द मेन एडवांटेज, तो इसका मेन एडवांटेज ये होता है इस रूट का, कि जो पेशेंट होते हैं वे स्वयं इस ड्रग को ले सकते हैं, यानी वह योग्य होते हैं पेशेंट इस रूट से, यानी ओरल रूट से दवा को लेने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं ड्रग, एंड चांसेस टू सिस्टमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस, और सिस्टमिक इन्फेक्शन के चांस बहुत ही कम होते हैं। वो एक्टिवेटेड चारकोल, यानी एंटीडोट होता है एक्टिवेटेड चारकोल, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटीज और ओवरडोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ओरल रूट।
जब ओरल रूट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टॉक्सिटीज, विषैला पदार्थ अगर कोई खा जाए, विषैला अथवा मतलब ओवरडोज, ओवरडोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस जगह हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं एंटीडोट के रूप में, जो यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल का यूज उसे ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, यानी टॉक्सिटीज को और ओवरडोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब देख लेते हैं ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं, ये सेफ होता है यानी सुरक्षित होता है, कॉन्वीनियंट यानी सुविधाजनक, एंड पेनलेस मेथड होता है यानी इसमें दर्द नहीं होता है। देयर फोर मोस्ट प्रेफर्ड, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेथड होता है यानी रूट होता है। और देख लेते हैं नेक्स्ट है, इकोनॉमिकली होता है यानी ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि टेबलेट हैं, पाउडर हैं, तो ये सस्ते पड़ते हैं। स्टरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टरलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एनी असिस्टेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ओरल ड्रग लेने के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेशेंट स्वयं ही उस ड्रग को ले सकता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। और लास्ट एडवांटेज क्या होता है, लेस चांसेज ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, एक्यूट यानी तीव्र ड्रग हो गई दवा, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, तो तीव्र दवा प्रतिक्रिया के चांस बहुत ही कम होते हैं, यानी संभावना उसकी बहुत कम होती है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेज भी होना जायज है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला सम टाइम्स यानी कभी कभी क्या होता है, सम टाइम्स कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्बड, कभी कभी क्या होता है कि ड्रग है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंक्लूड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट इफेक्टिव इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में ये ड्रग कारगर साबित नहीं होती है, नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव यानी प्रभावशाली नहीं होती है इन एमरजेंसी। ठीक है, अब देख देते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का टेस्ट अनप्लीजेंट हो सकता है, ठीक है, जिससे उसे लेने में परेशानी हो सकती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट है रूट नॉट प्रेफर्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ये रूट उनको उनके लिए प्रेफर नहीं किया जाता जो बेहोशी की हालत में है, जो अनकोऑपरेटिव है, जो असहाय हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को ये रूट सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है ड्रग कुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एमएसएस, तो इस रूट के माध्यम से ड्रग को हम ड्यूरिंग एमएसएस यानी उल्टियों के दौरान नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यानी सबलिंगुअल बकल रूट, ये रूट क्या होता है, ये भी एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है। तो सबलिंगुअल यानी बकल रूट इसे देख लेते हैं, तो ड्रग इज केप्ट बीनीथ द टंग विदाउट वाटर टू डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्बड इन माउथ, क्या होता है इसमें ड्रग को हम टंग के नीचे यानी केप्ट बीनीथ द टंग, टंग के नीचे रखते हैं बिना पानी के, यानी विदाउट वाटर टू डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्बड इन माउथ, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है मुंह में। ठीक है, किससे होती है, तो ये सलाइवा से होती है, किससे होती है, सलाइवा के जरिए, तो ये ड्रग्स होती है वह एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जो एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का जो एमसीक्यू है ज़्यादातर आते रहते हैं। अभी जो एग्जाम दिया है फार्माकोलॉजी का बैक पेपर का, तो उसमें आया था, उसमें फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में आया था सबलिंगुअल वाला, यानी कौन सा रूट होता है, तो सबलिंगुअल होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे हमने जो वीडियो की शुरुआत की है उससे पहले ही बताए रखा है। तो दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं किसके, सबलिंगुअल यानी बक्कल रूट की एडवांटेज सबसे पहला देख लेते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ड्यू टू हाईली वास्कुलराइज्ड साइट, देयरफॉर फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, ड्यू टू क्यों होता है,
क्योंकि हाईली वास्कुलराइज साइट के कारण, ठीक है, ये मौजूद होती है इसमें हाईली वास्कुलराइज साइट, इसलिए फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसलिए इसकी क्रिया बहुत ही तीव्र होती है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, उस स्टोमक एंजाइम्स एंड एसिड्स आर नॉट इन्वॉल्वड सो द ड्रग रिमेन्स स्टेबल। इसमें क्या होता है, जो स्टोमक के एंजाइम्स और एसिड्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इसलिए क्या होता है, जो ड्रग होती है हमारी, जो हमारी टंग के नीचे रखी गई है बकल रूट में यानी सबलिंगुअल रूट में, इसी में, तो क्या होता है वो स्टेबल होती है, अपनी जगह स्थिर होती है, वह इधर उधर होती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स और एसिड्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जो स्टोमक के एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए वह जो ड्रग है वो स्टेबल रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्रग्स डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड यानी बच जाती है, वह नहीं जाती है, डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स ड्रग कैन बी विदड्रॉन। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट बाय चांस, यानी बाय चांस कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो ड्रग को हम वापस ले सकते हैं, ठीक है, ड्रग को हम वापस ले सकते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज ऐसे है। नेक्स्ट है, ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर इजिली, तो ड्रग को आसानी से दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, लेस चांसेज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये तो हो गए एडवांटेजेस, अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस इसी के। डिसएडवांटेजेस ये हैं, तो इट इज समटाइम्स इनकन्वीनियंट टू कीप ड्रग इन माउथ। कभी कभी क्या होता है कि ड्रग को माउथ में रखना, ड्रग को मुंह में रखना असुविधाजनक होता है, असुविधाजनक होता है, कोई कोई ड्रग ऐसी होती है जिसे माउथ में रखना असुविधाजनक होता है कभी कभी। नेक्स्ट है, स्मॉल डोजेज आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, तो इसमें स्मॉल डोजेज की रिक्वायर होती है, न कि लार्ज डोज। स्मॉल डोज यानी कम डोज वाली ड्रग्स ही हम मुंह में रख सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्बड। अगर ड्रग्स हाई मॉलिकुलर वेट वाली है तो उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, जैसे इंसुलिन, जैसे इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, अनप्लीजेंट डिस्टेस्टफुल इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर, यानी अनप्लीजेंट ड्रग, डिस्टेस्टफुल ड्रग, इरिटेंट ड्रग्स को एडमिनिस्टर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रेक्टल रूट, जो ये भी है ये भी एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है। तो रेक्टल रूट में क्या होता है, रेक्टल रूट में होता है सपोजिटरीज आर ड्रग्स दैट एडमिनिस्टर थ्रू रेक्टल रूट। जो सपोजिटरी की ड्रग्स होती हैं उन्हें रेक्टल रूट के थ्रू दिया जा सकता है, यानी दिया जाता है। तो ड्रग इज फॉर्मुलेटेड विद बैक्सी एडिटिव्स इन विच ड्रग इज डिजॉल्वड और लिक्विफाई ऑन इंसर्शन इन टू द रेक्टम। तो ड्रग को बैक्सी एडिटिव्स के साथ तैयार किया जाता है, इन विच ड्रग इज डिजॉल्वड और लिक्विफाई और इंसर्शन इन टू द रेक्टम, जो रेक्टम में डिजॉल्व हो जाती है। दिस रूट इज यूज टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाई इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और बाई लो पीएच ऑफ स्टोमच। द ड्रग इज एडमिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज, यानी जो ड्रग है उसे सपोजिटरी के रूप में एडमिनिस्टर किया जाता है, तो थ्रू रेक्टल रूट, यानी रेक्टल रूट के थ्रू। तो व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ड्रग ओरली और हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग, जब पेशेंट को ओरली, व्हेन पेशेंट्स इज नॉट एबल यानी योग्य नहीं होता है, जब पेशेंट योग्य नहीं होता है ड्रग को ओरली लेने में यानी मुंह से लेने में, जब उसे परेशानी होती है अथवा उसके खाने पर पाबंद होता है, मोस्टली आफ्टर सर्जरी, ज़्यादातर सर्जरी के बाद ये होता है यानी खाने पर पाबंदी होती है, तो उन्हें ड्रग रेक्टल रूट के माध्यम से दी जाती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहला एडवांटेज है आपके सामने, यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोसिया एंड वॉमिटिंग, जब पेशेंट नोसिया एंड वॉमिटिंग से सफ़र कर रहा होता है यानी उससे गुजर रहा होता है। नेक्स्ट है, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बाहरी रक्त स्रावियाँ होती हैं उन्हीं से
ये ड्रग है वो एडमिनिस्टर की जाती है, यानी हिमोरोज बीन्स से। नेक्स्ट है तो गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। जो जीआई ड्रग्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स होती हैं, उन्हें इस रूट के माध्यम से दिया जाता है, यानी दिया जा सकता है या दिया जाता है, एक ही बात है। और डिसएडवांटेजेस देख लेती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? रेक्टल इन्फ्लामेशन होने का डर रहता है, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पेरेंट्रल रूट। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इस वीडियो में हमने एंट्रल रूट कंप्लीट कर लिया, उसमें हमने देखा ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी हो गई। अब देखेंगे हम पेरेंट्रल रूट की, इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन उसकी देखने वाले हैं, न कि उसके पार्ट देखने वाले हैं। उसके पार्ट पार्ट जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिकल रूट भी उसी में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें केवल इसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखने वाले हैं कि पेरेंट्रल रूट क्या होता है, इसके अंतर्गत केवल यही हम देखने वाले हैं। तो पेरेंट्रल रूट की डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी, क्या होता है? ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द एंट्रल रूट कम्स अंडर पेरेंट्रल रूट। जो भी रूट्स हैं एंट्रल रूट के अलावा, जो भी रूट्स होते हैं वो पेरेंट्रल रूट के अंतर्गत आते हैं, यानी एंट्रल रूट के अलावा जो भी रूट आते हैं वो पेरेंट्रल रूट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बट दिस रूट मेनली इंक्लूड सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस इंजेक्शन, दिस रूट इज यूजफुल व्हेन। तो इस रूट में, लेकिन इस रूट में मेनली यानी मुख्य मुख्य रूप से शामिल हैं सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस इंजेक्शन, ठीक है, ये शामिल होती हैं। दिस रूट, यह रूट, दिस रूट इज यूजफुल व्हेन, यह रूट यूजफुल तब होता है जब, यानी यह लाभदायी कब होता है? जब जब ड्रग इज पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, जब जो ड्रग होती है हमारी दवा होती है वह बुरी तरह से पेट से बुरी तरह एब्जॉर्ब होती है। ड्रग इज पुअरली एब्जॉर्बड, यानी बुरी तरह से एब्जॉर्ब होती है गट से, यानी पेट से बुरी तरह एब्जॉर्ब होती है ड्रग, तब यह लाभदायक होता है यानी यूजफुल होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्ट्रॉय द ड्रग, जब डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो ड्रग को नष्ट कर देते हैं यानी डिस्ट्रॉय करते हैं, तब यह यूजफुल होता है, यानी पेरेंट्रल रूट। नेक्स्ट है टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है, ठीक है, बचने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखी एंट्रल रूट के तीनों पार्ट देख लिए, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, और पेरेंट्रल रूट की हमने डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन देख ली। अब कल हम जो भी वीडियो डालेंगे उसमें हम उसके यानी पेरेंट्रल रूट के पार्ट देखने वाले हैं, और टॉपिकल रूट तो कल हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों इसे आप पार्ट फर्स्ट मान सकते हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।